जस्टिस एस ए बोबड़े ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबड़े को भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई। 17 नवंबर को रिटायर हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबड़े ने शपथ ली है और जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस के रूप में 18 महीने कार्य करेंगे और 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। जस्टिस बोबड़े के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई वीआईपी मेहमान मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद हॉल में मौजूद सभी ने ताली बजाकर जस्टिस बोबड़े को बधाई दी। उन्होंने अपनी तरफ से हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद दिया। बतौर सीजेआई जस्टिस एस ए बोबड़े के सामने कई बड़े फैसले होंगे जिन पर उन्हें फैसला सुनाना होगा।